आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी में। आज मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आप जो अपने टाइजन फोन में वो प्ले स्टोर इंस्टॉल कर सकते हैं कोई बिना किसी एरर के प्रॉब्लम के। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें से कमेंट आए थे कि हमारा जो प्ले स्टोर इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन क्या है इंस्टॉल होने के बाद हम उसको ओपन करते हैं, ओपन करने का उसमें जो कुछ एरर प्रॉब्लम शो करता है और एरर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, देखने के बाद आपका जो ऐसा जो प्ले स्टोर इंस्टॉल होने के बाद जो एरर का प्रॉब्लम आ रहा है उस जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। प्लीज़ फ्रेंड जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि जो आप ये ठीक है वो अच्छे तरीके से कर पाए और सब कर पाए। मैंने भी ये ट्राई किया था लेकिन मेरे कुछ एरर का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने फिर थर्ड ट्राई किया तो जो एरर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ जहाँ आप इसको अच्छे से कर पाए। आइए जब अपना वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम इसको करने वाले हैं। तो आपको उसके लिए गूगल प्ले स्टोर इंस्टॉल करने के लिए आपको अच्छे ऐप चाहिए होंगे जो कि आपको यूजी मी से डाउनलोड करने होंगे, जिसका जो डाउनलोड लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ मैं डाउनलोड्स में आ जाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड कर आपको ये जो छः चीज़ें आपको मिल जाएंगे जैसे कि एंड्रॉयड GSF हो गया, डाउनलोड प्रोवाइडर हो गया, गूगल प्ले सर्विस हो गया, गूगल सर्विस फ्रेमवर्क हो गया, मिनी लॉन्चर हो गया, प्ले स्टोर हो गया। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको जो दो फाइल है वो आपको वो फ्रेमवर्क में डालना है और जो आपको बाकी तीन फाइल है वो आपको प्रीवियस में डालना है, जो आपको एक फाइल है वो आपको डालना है ऐप्स में। तो आपको बता दूँ कौन से फाइल आपको प्रीवियस में डालने, कौन से ऐप में और कौन से फ्रेमवर्क में। तो आपको जो एंड्रॉयड GSF आप देख रहे हैं और मिनी लॉन्चर जो आप देख रहे हैं, प्ले स्टोर आपको देख रहे हैं, वो आपको प्री ऐप में डालने हैं, मतलब आपको प्री ऐप्स में डालने हैं, आप फिर से ध्यान दे दें। और बाकी जो है गूगल सर्विस ऐप और गूगल फ्रेमवर्क है वो आपको फ्रेमवर्क में ही डालना है। तो आप यहाँ पे ही गलती करते हैं कि आप जो गूगल प्ले सर्विस है, गूगल सर्विस फ्रेमवर्क है, वो भी आप क्या करते हैं प्री ऐप में डाल देते हैं, जिसकी वजह से एरर का प्रॉब्लम आता है। तो आपको इन दोनों को गूगल प्ले सर्विस और गूगल सर्विस फ्रेमवर्क को आपको फ्रेमवर्क में डालना है। और जो बाकी जो बचा डाउनलोड प्रोवाइडर UI वो आपको डालना है ऐप में। तो जो पहले हम क्या करते हैं एंड्रॉयड GSF है और मिनी लॉन्चर है, प्ले स्टोर है, हम लोग एक एक करके वो प्रीवियस में डाल लेते हैं। तो पहले मैं एंड्रॉयड GSF को कॉपी कर लेता हूँ, आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, फिर आपको ऐप्स पे क्लिक करना है, फिर आपको ACL पे क्लिक करना है, फिर आपको डाटा पे क्लिक करना है और एंड्रॉयड पे क्लिक करना है और आपको फिर सिस्टम पे जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आप प्रीवियस देख रहे हैं वहाँ पे इसको आके पेस्ट कर देना है। अनालिस में पेस्ट हो गया, फिर से हम बैक जाएंगे। इसके आपको नीचे आना है और मीडिया पे क्लिक कर लेना है और फिर से यूजी डाउनलोड पे आ जाना है। आपको ये सब नहीं आ रहा तो हमारा एक और वीडियो आप उसको देख के सीख सकते हैं। ताकि मैं यहाँ पे अब थोड़ा फास्ट स्टार्ट कर दूँ, ये प्रोग्राम हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी देख के सीख सकते हैं। तब हम जो मिनी लॉन्चर है उसको भी हम प्रीवियस में डाल लेते हैं जैसे हमने पहले डाला था। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, बैक जाना है, ऐप्स में जाना है, ACL में जाना है, डाटा में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, फिर आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाना आपको प्रीवियस में पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने आपको एक बैक जाना है, फिर से बैक जाना है और एक बार और बैक जाना है। लास्ट में आपको मीडिया पे आना है और फिर से यूजी डाउनलोड पे आ जाएंगे आप। अब हम जो प्ले स्टोर है उसको भी डाल लेते हैं, फिर आपको प्ले स्टोर को वही करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने आपको बैक जाना है, ऐप्स में आना है, ACL में आना है और डाटा में आना है, एंड्रॉयड में आना है और फिर सिस्टम में आना है। आपको फिर से प्री वेब में इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद आपको फिर से बैक आना है और एक और बार आपको बैक आके आपको मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद आपको इसी डाउनलोड में आना है। इसी डाउनलोड आने के बाद फिर आपको जो गूगल प्ले सर्विस और गूगल सर्विस फ्रेमवर्क है ये दोनों को आपको फ्रेमवर्क में डालना है। ध्यान है फ्रेमवर्क में आप दोनों ऐप को डालना है। तो मैं पहले जो गूगल प्ले सर्विस है उसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने का आपको बैक जाना है, फिर ऐप पे क्लिक करना है, फिर ACL पे क्लिक करना है, फिर डाटा पे, एंड्रॉयड पे, फिर आपको नीचे आना है और सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो फ्रेमवर्क है आपको वहाँ पे इसको क्लिक करके
पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने का आपको फिर से बैक जाना है। फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ जो बताना भूल गया हूँ कि आपको जो एसएल बेंडिंग है जो आपको फ्री वेब में रहता है उसमें से आपको जो एसएल बेंडिंग है उसको डिलीट कर देना है। अगर आप देख सकते हैं जो मेरा एसएल बेंडिंग नहीं है जिसको मैंने पहले डिलीट कर दिया है, तो आपको उसको डिलीट कर लेना है, नहीं तो आपका जो प्लेस्टर है वो ओपन नहीं होगा। फिर आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, और फिर से बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, और एक और बैक जाना है। बैक जाना है आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने का आपको इसी डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हो जो हमारा गूगल प्ले सर्विस है वो तो हमने डाल दिया फ्रेमवर्क में, अब बचा क्या है गूगल सर्विस फ्रेमवर्क जिसको हम लोग को फ्रेमवर्क में डालना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने आपको बैक जाना है, फिर बैक जाना है, फिर आपको एस पे क्लिक करना है, फिर आपको एसीएल पे क्लिक करना है, फिर डाटा पे, और फिर एंड्रॉयड पे, और फिर आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। और क्लिक करने आपको ध्यान दें फिर से आपको जो फ्रेमवर्क जहाँ हमने गूगल सर्विस डाला था आपको वापस से यही फ्रेमवर्क में जो गूगल प्ले सर्विस आपको फ्रेमवर्क है तो आपको इधर डालना है। तो उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और फिर आपको जो है बैक जाना है, फिर बैक जाना है, फिर बैक जाना है, और फिर बैक जाना है, और फिर बैक जाना है, और आपको फिर से बैक जाना है, और जो मीडिया है वहाँ पे क्लिक करना है, और आपको फिर यूसी डाउनलोड में आ जाना है। यूसी डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे सिर्फ एक बच्चा है डाउनलोड प्रोवाइडर यूआई, उसको हम लोग को कहाँ पे डालना है, उसको हम लोग को ऐप्स में डालना है। मतलब जो लास्ट एक ऐप बचा है उसको हम लोग को ऐप्स में ही डालना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने आपको बैक जाना है, फिर से बैक जाना है, आपको फिर ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको जो एसीएल उस पर क्लिक करना है, फिर आपको डाटा पे क्लिक करना है, फिर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, और फिर आपको जो सिस्टम उस पर क्लिक कर लेना है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो ऐप है आपको वही पेज को पेस्ट करना है। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा डाउनलोड प्रोजेक्ट एक लास्ट जो था वो कम्प्लीट हो गया है, मतलब उसको मैंने पेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं जो भी हमारा जो ऐप को पेस्ट करने का काम था वो फिनिश हो गया है। मतलब कोई भी ऐप बचा नहीं जिसको हम लोग को पेस्ट करना है। उसको आपको क्या करना है, जो मेन काम है आपको करना है, आपको जो मोबाइल आपको रिस्टार्ट करना होगा। बिना रिस्टार्ट किए जो आपका प्ले स्टोर ओपन होने के बाद वही एरर का प्रॉब्लम शो करेगा, इसलिए आपको जो अपना फ़ोन है उसको रिस्टार्ट कर लेना है। मैं अपना फ़ोन जो है रिस्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने का क्या करना है, जो यूजी मिनी है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ मेरा जो यूजी मिनी ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, होम की जो है उसको प्रेस करके रखना है। प्रेस करने आपको फिर से जो यूजी मिनी उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने का आप देख सकते हैं जो मेरा एंड्रॉयड का लॉन्चर था वो आ गया है। आने का क्या करना है, होम बटन दबाना है, और वहाँ पे आप देख सकते हो प्ले स्टोर हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, जो प्ले स्टोर इसको ओपन कर लेना है। अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने आपसे पूछेगा कि ऐड गूगल अकाउंट, तो आपको क्या कर लेना है, चाहे आप गूगल अकाउंट बना भी सकते हैं, चाहे अपना जो पुराना कोई अकाउंट है वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं अपना पुराना अकाउंट ही डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो ईमेल डाल लेता हूँ। फिर आपको सिग्निंग पे क्लिक कर लेना है। आपको थोड़ा टाइम लेगा ये। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरा प्ले स्टोर है वो ओपन हो गया है। इसमें कोई जो एरर्स का प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाया। आप यहाँ देख सकते हैं आप पूरी इसी तरीके से स्टिक से करेंगे तो आपका जो प्ले स्टोर है वो एकदम आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, आपका कोई एरर शो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा कोई भी जो एरर है वो नहीं शो किया है। तो मैं आपको जो कोई एक ऐप है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि ये जो डाउनलोड होता है कि नहीं और इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो जो मैं एक सॉफ्टवेयर कुछ करके उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको फिर इंस्टॉल पर क्लिक करना है, फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने का आप देख सकते हैं जो हमारा डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन हो जाएगा। तो आप देखते हैं जो इंस्टॉलिंग हो रहा है हमारा जो ऐप। उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा ऐसा जो हम ऐप इंस्टॉल करे तो इंस्टॉल हो गया है। इसको आप बस मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ऐप है काम कर रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं।
या मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं जो ऐप है वो काम कर रहा है नॉर्मली। जैसे हम प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं किसी एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोच आपको बता दूँ कि आपको अन्य सोर्स ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये बिना अन्य सोर्स को भी काम करेगा, क्योंकि आपको अन्य सोर्स कनेक्ट ऑन नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन आप फिर भी आप चाहते हैं कि आप अन्य सोर्स ऑन करें तो आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपको बाहर का इंस्टॉल करना है, इसलिए आपको अन्य सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अन्य सोर्स ऑन कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार अनइंस्टॉल करके भी इस ऐप को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप गूगल पे से आप बहुत ईजिली से भी कोई ऐप जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। और एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ जो अनइंस्टॉल से क्लिक कर देना है जो भी आपको ऐप अनइंस्टॉल करना चाहें। क्या आप देख सकते हैं जो मेरा ऐप है वो अनइंस्टॉल हो गया है। तो आई होप आपको जो वीडियो बहुत पसंद आया हो, अगर पसंद आया प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप कोई भी डाउट लगता है, आप कुछ नहीं समझ में आया था, हमसे बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स से में से आप हमको पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम, मैं आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारा जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।